गुड मॉर्निंग क्लास। सो आइए देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सोलुबिलिटी, राइट। यानी कि अब हम जा रहे हैं डिटेल से पढ़ने, सोलुबिलिटी क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं। अगर किसी की सोलुबिलिटी दी हुई है तो इसका मतलब वो हमसे क्या कहना चाहता है। यानी कि सोलुबिलिटी रिलेटेड हर वो चीज़ जो आपको जाननी चाहिए इस टॉपिक में हम सीखेंगे। ताइए पहले तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी होती क्या है। आप हेडिंग बना रही होंगे, फिर डेफिनेशन आप यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करेंगे, कर सकते हैं। चले आइए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट दैट टेम्परेचर। किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है या रूम टेम्परेचर है या 40 डिग्री सेल्सियस है, किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे किसी भी सॉल्वेंट में जिसकी अमाउंट कितना लिया गया है 100 ग्राम, कितना सॉल्यूट आप मिक्स कर सकते हैं, कितना सॉल्यूट आप मिक्स कर सकते हैं, उसी को हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। एक बार फिर से मान लीजिए मेरे पास एक ग्लास है या कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने 100 ग्राम वाटर लिया है, कितना 100 ग्राम वाटर, और मैंने इसमें मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पे या 26, 27 कुछ भी मान लीजिए, बस टेम्परेचर को सेम रखना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। मैंने इसमें सॉल्ट मिक्स करना स्टार्ट किया और टोटल 30 ग्राम सॉल्ट मिक्स हुआ, कितना 30 ग्राम सॉल्ट। कैसे पता चलेगा, आपने 10 ग्राम सॉल्ट लिया मिक्स किया मिक्स हो गया, फिर 10 ग्राम लिया फिर मिक्स हो गया, फिर 5 ग्राम लिया आपने मिक्स हो गया, फिर ऐसे करते 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 आप मेजर करेंगे कुल कितना सॉल्ट मिक्स हो गया। सो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट मिक्स्ड हियर इज 30 ग्राम। फिर आपने सॉल्ट मिलाया तो अब मिक्सिंग बंद हो गई थी, यानी कि उसके बाद अब वो मिक्स नहीं हो रहा था, तो ये कैसा सॉल्यूशन बन गया होगा। यस, वेरी गुड, इट मींस इन दैट केस दिस विल बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसे पता चला, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन जिसमें कि मैक्सिमम सॉल्यूट जितना होना चाहिए आपने अगर उतना मिक्स कर दिया तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, सैचुरेटेड। यानी कि उसको जितना सॉल्यूट चाहिए था आपने उतना दे दिया तो वो क्या बनता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर 100 ग्राम वाटर में अगर 30 ग्राम मैक्सिमम सॉल्ट मिक्स होता है, ध्यान रहे 30 ग्राम मैक्सिमम सॉल्ट, यानी कि 30 ग्राम से कम मिक्स करेंगे तब तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर 30 से 31 ग्राम सॉल्ट मिक्स करना चाहें तो मिक्सिंग नहीं होगी। यानी कि 30 ग्राम मिक्स होगा और 1 ग्राम सॉल्ट आपको यहाँ पे इकट्ठा देखने को मिल जाएगा, यानी कि वो 1 ग्राम सॉल्ट मिक्स नहीं होगा। तो वो केस में ये जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको मिला है 30 ग्राम, यही क्या होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। दिस वन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। हाँ मैं पता है अभी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी, कोई नहीं अभी क्लियर कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास 100 ग्राम वाटर है, मैंने उसमें शुगर मिक्स करना स्टार्ट किया और मेरा 40 ग्राम शुगर मिक्स हो गया, कितना 40 ग्राम शुगर मिक्स हो गया बिना टेम्परेचर चेंज किए। और उसके बाद मैंने जब शुगर मिक्स करना स्टार्ट किया तो शुगर की मिक्सिंग बंद हो गई थी, यानी कि 100 ग्राम वाटर में आप मैक्सिमम कितना शुगर मिक्स कर सकते थे, 40 ग्राम। सो सॉल्युबिलिटी विल बी 40। सो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी इज दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। कोई भी फिक्स टेम्परेचर पर, कॉन्स्टेंट का मतलब फिक्स, वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप कितना मैक्सिमम सॉल्यूट मिक्स करते हैं और वो हो जाता है, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, उसी को हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। बात मेरी समझ में आ गई होगी, क्या ये हमेशा वाटर के लिए डिफाइन है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप 100 ग्राम कोई भी सॉल्वेंट ले लीजिए और आप उसमें सॉल्यूट मिक्स करना स्टार्ट करिए,
मैक्सिमम सॉल्यूट जितना आपने मिक्स किया, मान लीजिए वो एक्स है, तो यही एक्स उसकी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। एक बार फिर से, किसी भी 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप मैक्सिमम कितना सॉल्यूट मिला सकते हैं, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। इसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिए क्या दिया है। इफ द सॉल्वेंट इज वाटर, मान लीजिए अगर सॉल्वेंट वाटर है, देन वी कैन डिफाइन सॉल्युबिलिटी एज फॉलो। तो हम क्या कहेंगे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट अ फिक्स टेम्परेचर। किसी फिक्स टेम्परेचर पे 100 ग्राम वाटर में आप मैक्सिमम कितना सॉल्यूट मिला सकते हैं, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। प्लीज नोट दैट सॉल्युबिलिटी इज ऑलवेज स्टेटेड एज मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, या और कोई सॉल्वेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैक्सिमम ऑफ 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, अभी आपको समझने में दिक्कत होगी, बस अभी आप जानते रहे, पोटेशियम नाइट्रेट इज द एग्जाम्पल ऑफ ए सॉल्ट। जैसे घर पे आपके नमक होता है ना, वैसे पोटेशियम नाइट्रेट भी क्या है, एक सॉल्ट होता है। डेट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये बताइए, अगर 100 ग्राम वाटर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट को मिक्स कर पाता है, उससे ज़्यादा नहीं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 32। द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर इज 32 ग्राम्स। इसका मतलब कि उस वाटर की सॉल्युबिलिटी क्या है, 32 ग्राम्स है। दूसरा, अ मैक्सिमम ऑफ 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो हमारे घर पे सॉल्ट होता है ना, दैट इज कॉमन सॉल्ट। और उसका अगर आपसे कोई केमिकल नेम पूछे, देन दैट इज सोडियम क्लोराइड। क्या है वो, सोडियम क्लोराइड। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट एक सॉल्ट है, उसी तरह सोडियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट है। और जो घर पे आप सॉल्ट यूज करते हैं, चाहे वो टाटा का हो या किसी भी कंपनी का हो, वो सॉल्ट क्या है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम वाटर में सॉल्ट को मिक्स करें, देन यू कैन मिक्स मैक्सिमम ऑफ 36 ग्राम सॉल्ट। तो आप उसमें कितना मैक्सिमम मिला सकते हैं, 36 ग्राम सॉल्ट। तो बताइए इस केस में सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई, 36 ग्राम। टेम्परेचर को सेम रखना है। नेक्स्ट, फ्रॉम द अबव डिस्कशन, आप इसको लिख लीजिएगा, ओके आप यहां से ले लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां से लेके ये दोनों पॉइंट कंप्लीट यहां तक, ठीक है। चलिए, सॉरी, फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज ऑब्वियस दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस और सॉलिड रेफर्स टू इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी हम कब निकाल रहे हैं, जब उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स हो, यानी कि वो सॉल्यूशन कैसा होगा, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। यस, वेरी गुड, दैट विल बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मिक्स है, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। सो वी कैन राइट येट अनदर डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एज फॉलो। तो हम सॉल्युबिलिटी के एक दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, जो कि आप भी लिख लेंगे। लिखना कहाँ से है, यहाँ से। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट टेम्परेचर। 100 ग्राम वाटर लीजिए, या कोई भी 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लीजिए, उसमें उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट की आपको रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इन वाटर इज डिफरेंट। अब अलग अलग सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। सिंस द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। हाँ, ये बात भी है कि सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, हाँ बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से इंटर पार्टिकल स्पेस है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बड़ा होता है।
यानी कि उसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा आ सकता है। अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, सॉरी इट वॉज डन ना, सिंस द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सो वाइल एक्सप्रेसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस वी हैव टू स्पेसिफाई द टेम्परेचर ऑल्सो, हमें टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम ऑफ द सब्सटेंस और सॉल्यूट्स आर गिवेन बिलो, ऑल दीज वैल्यूज ऑफ द सॉल्युबिलिटीज आर पर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब 100 ग्राम वाटर के लिए अलग अलग सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी दी गई है। चलिए आइए टेबल को देखते हैं क्या दिया गया है। पहला कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, शुगर ये थोड़ी सॉल्ट है, शुगर तो पता ही है क्या होता है। गुड, अगर आपसे इनका केमिकल नेम पूछ लिया जाए या केमिकल फॉर्मूला, तो हम आपको लिख देते हैं। कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4। लिखने का तरीका आप ध्यान देंगे, कैपिटल C स्मॉल U, कैपिटल S कैपिटल O, और ये जो 4 है O के नीचे लिखा जाएगा। उसी तरह है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये है सिंबल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम क्लोराइड के Cl, के कैपिटल C स्मॉल L। नेक्स्ट है अमोनियम, सॉरी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का होता है कैपिटल N स्मॉल A, कैपिटल C स्मॉल L। अभी आप बस सुनते रहिए, जानते रहिए, एक दो बार पढ़ते रहिए, बाकी इनका कैसे होता है, कैसे नाम लिखा जाता है, वो सब कुछ हम आपको सिखा देंगे, आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अमोनियम क्लोराइड दिस विल बी कैपिटल N कैपिटल H देन 4 कैपिटल C स्मॉल L। उसी तरह है शुगर, शुगर इज C12H22O11, ये होता है। चलिए अब हम थोड़ी सॉल्युबिलिटी की बात कर लें। तो देखिए कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी कितनी होती है, 21 ग्राम। पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी 32 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड की 34 ग्राम, सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम, अमोनियम क्लोराइड की 37 ग्राम, जबकि शुगर की 204 ग्राम। हाँ, यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज फाउंड इन विच सब्सटेंस फॉर द वाटर, सो द आंसर इज गोइंग टू बी शुगर। वाटर में मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कौन सा सब्सटेंस शो करता है, दैट इज शुगर, दैट इज नियरली 204 ग्राम्स। समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए 12 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट डिजॉल्व इन 75 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, कितना 60 डिग्री सेल्सियस पे 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट डिजॉल्व होता है कितना 100 ग्राम ऑफ वाटर में, हमें इसकी सॉल्युबिलिटी बतानी है। आप हमें ये पहले बताइए क्या क्या दिया है। इट इज गिवन दैट 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का सिंबल होता है K2SO4, क्या होता है K2SO4। लिखने का तरीका आप ध्यान रखेंगे, कैपिटल K फिर 2 फिर कैपिटल S कैपिटल O फिर 4। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, K2SO4 लिखना तो ऐसे लिखेंगे K2SO4, ऐसे नहीं लिखा जाता है, आप नंबर और लेटर्स को एक जैसा नहीं लिख सकते, हमेशा अगर आपको K2 लिखना है तो K और 2 ऐसे लिखेंगे, अगर आपको O2 लिखना है तो O2, नंबर हमेशा लेटर के नीचे लिखेंगे। चलिए अभी आपको दिया गया है 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट इज मिक्स्ड इन 75 ग्राम ऑफ वाटर, यही दिया ना, ठीक है। वाटर को हम क्या लिखते हैं, H2O, इतना तो पता ही होगा। अब देखिए हमसे सॉल्युबिलिटी पूछा जाता है, बताइए सॉल्युबिलिटी क्या होता है। यस, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर,
हमें वाटर कितना रखना होगा, ये सॉल्वेंट कितना रखना होगा, 100 ग्राम। ये तो 75 ग्राम है, क्या यहाँ से काम होगा? बिल्कुल नहीं। अभी हम क्या करते हैं, इसको उल्टा करते हैं। हम इसको ऐसे लिखेंगे, 75 ग्राम वाटर कंटेन्स 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट। अगर हम 100 ग्राम के लिए निकाल लें कि 100 ग्राम वाटर में कितना सल्फेट मिक्स हो जाएगा, तो भाई उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। तो बस क्या करना है, पहले तो हम 75 ग्राम वाटर को क्या बता लेंगे, 1 ग्राम वाटर। राइट, 75 को अगर 1 बनाना है तो 75 को उधर लेके जाएंगे। और जब भी आप कोई नंबर को LHS से RHS लेके जाते हैं, वो क्या होता है, रिवर्स ऑपरेशन शो करता है। यहाँ 75 ग्राम को जब आप इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि इट विल बी 12/75 ग्राम K2SO4, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम सल्फेट। ये भी मेरा आंसर नहीं है। मेरा आंसर कब आएगा, जब मेरे पास 100 ग्राम वाटर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, 100 ग्राम का दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 × 100 कितना हो जाएगा, 100 ग्राम वाटर, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो दिस विल बी 12/75 × 100 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। ये देखिए 25 से 3 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये 25 से 4 टाइम्स में हो जाएगा, 3 से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। अब क्या बचा, 4 से कितना होता है, 16। यानी कि हमें यहाँ से क्या पता चला कि 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम कितना पोटेशियम सल्फेट मिक्स हो सकता है, 16 ग्राम। तो बताइए सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, दैट सिंपल, 16 ग्राम होगी। सही है ना, चला ये आंसर मैच करते हैं। देखिए आंसर इज 16 ग्राम पोटेशियम सल्फेट, यही है उसकी सॉल्युबिलिटी। कर सकते हैं, तो चलिए एक होमवर्क हम आपको दे देते हैं, आप उसको ट्राई करेंगे, फिर हम उसके आगे बढ़ा जाएगा कल। ठीक है, होमवर्क में और कोई क्वेश्चन आपको दिया गया, यहाँ पर फिलहाल कोई होमवर्क यहाँ नहीं दिया गया है, हम आपको खुद से होमवर्क दे देते हैं। लेट्स से 7 ग्राम अमोनियम क्लोराइड इज मिक्स्ड इन 50 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, आपको इसकी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करके बतानी है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी कर लीजिए। देखिए, इफ ओके 52 ग्राम शुगर इज मिक्स्ड इन 25 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, अगेन व्हाट यू नीड टू डू इज कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी। आपको फिर से क्या करना है, सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करना है। कर सकते हैं, आंसर भी बता दें हम, चलिए हम आंसर बता देते हैं, आपको सॉल्व करके आंसर को कैलकुलेट करना रहेगा। इसका आंसर आ जाएगा 14 ग्राम्स, और इसका आंसर ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 208 ग्राम्स। आप कर लीजिएगा, सॉल्यूशन आपको कंप्लीट करना है, स्टेप वाइज सब कुछ शो करना है। ये तो बस हम आपको आंसर दे रहे हैं ताकि आप सॉल्व करके अपने आंसर को मैच भी कर लें कि जो आपने किया वो सही है या गलत है। तो आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।